हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बी ए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड ग्रामीण समाचार चल रहा है स्टूडेंट्स हमारा। पिछली वीडियो में इसके अंतर्गत हमने ग्रामीण समाचार का विशेष क्षेत्र या विशेष सामग्री का अध्ययन किया। आज स्टूडेंट्स हम ग्रामीण समाचार के महत्व का अध्ययन करने जा रहे हैं कि ग्रामीण समाचार का महत्व क्या है, क्यों जीवन में या ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वर्तमान में क्यों आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करेंगे स्टूडेंट्स। ग्रामीण समाजशास्त्र का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ग्रामों में भी विभिन्न समस्याएं जो है वर्तमान में बढ़ती जा रही है। तो उन सभी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मानवीय जीवन और मानवीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता हुई। तो उसका अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की जिस शाखा का उदय हुआ स्टूडेंट्स उसे क्या कहा गया, ग्रामीण समाजशास्त्र कहा गया। तो वर्तमान में जो हम देखते हैं हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है स्टूडेंट्स कहाँ निवास करती है, वो गाँव में निवास करती है। अब उन जनसंख्या का, उनके सामाजिक संबंधों का, उनके मानवीय संबंधों का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक संस्थाओं का इत्यादि का अध्ययन करने के लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ आकर ग्रामीण समाजशास्त्र जो है हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम ग्रामीण समाजशास्त्र का जो महत्व है सामान्य रूप से उस महत्व को कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो आता है स्टूडेंट, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखा कौन सी है, ग्रामीण समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखा ग्रामीण समाजशास्त्र। स्टूडेंट्स समाजशास्त्र प्रारंभ में अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था, धीरे धीरे जब मैंने आपको बताया सन 1838 में अगस्त पोंटे ने जो कि फ्रांस के महान सामाजिक विचारक थे उन्होंने इसे समाजशास्त्र नाम दिया और स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे समाजशास्त्र जो है भारत में सन 1919 से जो कि हमारे महान सामाजिक विचारक हैं भारतीय जी एस कुरिए, उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र को पढ़ाना है, समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव जो है वहां से प्रारंभ हुआ। तो धीरे धीरे समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में स्टूडेंट्स ग्रामीण समाजशास्त्र का जो है प्रादुर्भाव प्रारंभ हो गया, क्योंकि मानव समुदाय जो है विभिन्न समुदायों में विभाजित है, वह नगरी ले लीजिए, ग्रामीण ले लीजिए। तो नगरी समुदायों का अध्ययन करने के लिए मैंने नगरीय समाजशास्त्र जो है महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जो विभिन्न प्रकार के ग्रामीण समुदाय है स्टूडेंट, उन ग्रामीण समुदायों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय की आवश्यकता हुई उस विषय को क्या कहा गया, ग्रामीण समाजशास्त्र जो है कहा गया। ग्रामीण समाजशास्त्र जो है ग्राम से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं स्टूडेंट, उन सभी का अध्ययन जो है करने का प्रयास करता है, वो भी विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए। इसीलिए इसका जो अध्ययन है यानी ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा जो ग्रामीण पारिवारिक अध्ययन जो किया जाता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है इसके महत्व का स्टूडेंट कि ग्रामीण समाजशास्त्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो ग्राम और ग्रामीण जन और ग्रामीण जन का महत्व यानी वर्तमान में जितना गांव का महत्व माना जाता है स्टूडेंट्स, उतना ही महत्व वहां रहने वाले लोगों का माना जाता है।
किस पर निर्भर करता था? सिर्फ और सिर्फ ग्राम और ग्रामीण जन पर, यानी गांव पर और गांव में रहने वाले जो कृषक हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि उत्पादन का कार्य, श्रम का कार्य, सारा कुछ कार्य करने का श्रेय जो अर्जित जाता है वो किसको जाता है? ग्रामीण जन को जाता है। तो हमारे देश की जो एक महत्वपूर्ण जनसंख्या का जो हिस्सा है वो कहाँ निवास करता है? ग्रामों में निवास करता है। इसीलिए वर्तमान में उनका अध्ययन महत्वपूर्ण है, जो कि किस शास्त्र के द्वारा किया जा सकता है? ग्रामीण समाज शास्त्र के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु जो आता है महत्व का, वो आता है ग्राम और कृषि प्रधान देशों में महत्वपूर्ण। ग्रामीण समाज शास्त्र जो है वो ग्रामों के अध्ययन के साथ साथ ऐसे देशों में भी अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जहां पर कृषि कार्य किया जाता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि कृषि जो है वो ग्राम का आभूषण है। कृषि क्या है? ग्रामों का आभूषण है। तो इस आभूषण के बिना ग्रामों की शोभा कम ही नहीं होती, बल्कि इस आभूषण के बिना यानी कृषि के बिना ग्रामों की शोभा जो है वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि कृषि जो है हमारे ग्रामों की क्या है स्टूडेंट्स? आत्मा। क्या है कृषि? ग्रामों की आत्मा है। और जिस देश में गांव अधिक होंगे वहां पर कृषि कार्य जो है अवश्य किया जाता है। और इस कृषि प्रधानता की वजह से ग्रामीण समाज शास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो गया है। जैसे कि हम भारत देश में भी देखते हैं, क्योंकि भारत देश की जो अधिकांश जनसंख्या है स्टूडेंट्स वो कहाँ निवास करती है? ग्रामों में ही निवास करती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है ग्रामीण समाज का सर्वांगीण अध्ययन। क्या किया जाता है? ग्रामीण समाज का सर्वांगीण अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वरना इसके अलावा बता दीजिए कौन सा ऐसा विषय है जो ग्रामीण समाज का अध्ययन करेगा? नहीं करेगा। समाज शास्त्र की, ग्रामीण समाज शास्त्र की एक ऐसी और महत्वपूर्ण शाखा है जो कि ग्राम समाज के सभी अंगों का सूक्ष्म रूप से क्या करती है? अध्ययन करती है। ग्रामीण जीवन कैसा है, उसमें किस प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करके ग्रामीण पुनर्निर्माण किस तरह से और कैसे किया जा सकता है, इन सब का कार्य भी जो है इसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण समाज शास्त्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु आता है नगरों की अवलंबनता। अवलंबनता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आश्रितता। क्या मतलब हुआ आश्रितता? यानी नगर जो है पूरी तरह से किस पर आश्रित है? ग्रामों पर आश्रित है। क्यों? कच्चा माल। नगरों में क्या है? बड़ी बड़ी मशीनें हैं, औद्योगिकरण है, उद्योगों की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। तो वहां के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो कच्चा माल उन्हें कहाँ से उपलब्ध होगा? श्रम की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, मजदूरों की आवश्यकता है, वो सब उन्हें कहाँ से उपलब्ध होगा? ग्रामों से ही उपलब्ध होगा। इसीलिए नगरीय समाज जो है पूर्णतया ग्रामीण समाज पर अवलंबित है या फिर आश्रित है। तो इस रूप में ग्रामीण समाज शास्त्र जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्राम सुधार और देशोन्नति। देश की उन्नति किस पर निर्भर करती है? ग्रामों के सुधार पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यदि ग्रामों का सुधार होगा, यदि कृषक जो है वो उन्नतिशील साधनों को अपनाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हमारे देश की भी उन्नति होगी, देश का भी विकास होगा। और यदि ग्रामीण आर्थिक स्तर जो है उन्नत नहीं
आधुनिक मशीनें जिनके द्वारा की कृषि की जाए और उत्पादन को बढ़ाया जाए, इस सब का प्रयोग यदि ग्रामों में किया जाएगा तो कोई ऐसा देश नहीं है, ग्रामीण देश जहाँ की जनसंख्या अधिकतर गांवों में निवास करती है, वहां पर उन्नति नहीं हो सकती। तो इस रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र जो स्टूडेंट्स सामान्य रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, किंतु वर्तमान में हम क्या देखते हैं, यह हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि वहां जो हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो ग्रामों में निवास करती है और वर्तमान में वो अभी अनेक समस्याओं से ग्रसित भी है। तो इसीलिए ग्रामीण समाजशास्त्र का जो अध्ययन है स्टूडेंट्स, वो हमारे भारत जैसे देश में अत्यंत आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि 70% जनसंख्या जहां लगभग देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करेगी, तो वहां का अध्ययन जो है कैसे किया जाए, उसकी सामाजिक संरचना, उसके सामाजिक संगठन, उनके सामाजिक समूहों का अध्ययन, ऐसा कौन सा विषय है जिसके द्वारा किया जा सकता है, तो वो कौन सा विषय है, ग्रामीण समाजशास्त्र है। तो इसीलिए वर्तमान में भारत देश में भी स्टूडेंट्स ग्रामीण समाजशास्त्र का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। तो भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व के बिंदुओं को हम इस प्रकार से देखेंगे। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व, स्टूडेंट ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, या फिर क्वेश्चन जो आता है ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषाएं, इसकी विषय क्षेत्र या विषय सामग्री का उल्लेख कीजिए, या फिर ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। अब हम क्या कहते हैं भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो आता है भारतीय समाज एक कृषि प्रधान, भारतीय समाज एक कृषि प्रधान समाज है, बिल्कुल है, निश्चित रूप से है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों है भारतीय समाज, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो स्टूडेंट्स कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती है। भारत का इतिहास हम उठा के देखें या उसकी जीवन दिनचर्या जो है इसको उठा के देखें, तो हमें उस पर पूरी तरह से किसका प्रभाव नजर आता है, कृषि का प्रभाव जो है वो नजर आता है स्टूडेंट्स। और ग्रामीण जनता और कृषि, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण और घनिष्ठ संबंध माना जाता है। तो कोई भी कृषि प्रधान समाज जो है जहाँ की जनसंख्या जो है या फिर ग्रामीण समाज जो है उसका अध्ययन करने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में गांव की स्थिति क्या है, भारतीय समाज की जो वास्तविकता है, भारतीय ग्रामीण समाज की जो वास्तविकता है वो क्या है, कैसी है, इन सब का अध्ययन करने के लिए जो है ग्रामीण समाजशास्त्र जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में स्टूडेंट्स हम देखते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत, सॉरी ग्रामीण समाज के अंतर्गत विभिन्न जो भारतीय संस्कृतियां हैं उनका भी सम्मिश्रण होता जा रहा है। तो उनके सम्मिश्रण के पश्चात ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, इन सब का अध्ययन भी जो है ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण
वास्तविक ज्ञान, यानी वर्तमान में जो औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है स्टूडेंट्स, उससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा जो ग्रामीण समाज है, वो भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ भी दिनों दिन परिवर्तन की जो गति है वो बढ़ती जा रही है, या फिर परिवर्तन जो है स्टूडेंट्स वो होते जा रहे हैं। तो इस परिवर्तन की तीव्रता की गति से क्या हो रहा है, यहाँ पर विभिन्न समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही है, और इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जिस विषय की आवश्यकता हुई वो विषय कौन सा है स्टूडेंट्स, ग्रामीण समाजशास्त्र है। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व वाले ग्रामों को हम जाके देखते हैं तो वहां पर परंपरावादिता का जो है पूर्णतया प्रभाव पाया जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देश में उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, देश का विकास हो रहा है, ग्राम भी जो है इस आधुनिकीकरण के और नगरों के संपर्क में आ रहे हैं, और इस औद्योगिकरण और नगरीकरण और तकनीकी विकास का जो पूर्णतः प्रभाव है वो हमारे ग्रामों पर भी पड़ रहा है, और इस वजह से ग्रामों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हो गया है। तो इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आता है स्टूडेंट्स वो कौन सा आता है, ग्रामीण समाजशास्त्र। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है ग्रामीण जीवन में पुनर्जागरण, ग्रामीण जीवन में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब उन्हें उठाना, सोते को जगा देना, ऐसा नहीं है। पुनर्जागरण का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि जो समाज में हमारा ग्रामीण जीवन है, जिसमें अभी हम वर्तमान में भी देखते हैं क्योंकि आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास कर रही है, किंतु इतनी आधुनिकता या नगरीकरण औद्योगिकरण के पश्चात भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि गांव में परंपराओं प्रथाओं का अत्यंत ही प्रभाव वर्तमान में भी देखा जाता है। वहां की जो सामाजिक संरचना है, वहां की जो व्यवस्था है, वो वर्तमान में भी विभिन्न परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा जकड़ी हुई है। तो इन प्रथाओं और परंपराओं से यदि हमें छुटकारा चाहिए, यानी ग्रामीण जीवन को यदि हमें वापस जगाना है, इन परंपराओं से छुटकारा दिलाना है, तो हमें क्या करना होगा, पुनर्जागरण से मतलब है हमें वहां पर शिक्षा का प्रसार करना होगा, जिससे कि परंपरावादिता, रूढ़िवादिता या फिर पुराने जो रीति रिवाज हैं वो समाप्त हो, और वहां पर धीरे धीरे जो है बहुमुखी परिवर्तन आते जाए। तो धीरे धीरे समाजशास्त्रों के द्वारा इन ग्रामीण समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया, और धीरे धीरे उन्हें दूर करके ग्रामीण जीवन को उन्हें जागृत करने का प्रयास जो है किया गया। नेक्स्ट बिंदु जो आता है भारतीय समाज में ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व का, वो ये आता है भारतीय गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया। भारतीय गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया, हम देखते हैं नगरों में औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, इस नगरीकरण औद्योगिकरण मशीनीकरण विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों के प्रयोग का प्रभाव जो गांव पर भी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले गांव में किस प्रकार की प्रथाएं थी, परंपराएं थी, ब्रिटिश शासन आया, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रथाएं जो है, विभिन्न प्रथाएं आई, उनका प्रभाव जो है भारतीय गांव पर होने लगा, और धीरे धीरे स्वतंत्रता के उपरांत ग्रामीण जीवन में क्या हुआ स्टूडेंट्स, परिवर्तन लाने के प्रयास जो है किए गए। आज हम देखते हैं प्रत्येक गांव में सड़क, रेल, संचार व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सभी जगह वर्तमान में पाई जाती है। तो आज आवश्यकता
वर्तमान में जो गांव में भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं या इन सब व्यवस्थाओं की वजह से जो परिवर्तन आ रहा है, उन परिवर्तनों का अध्ययन जो है किस विषय के द्वारा किया जाए, तो ये ग्रामीण समाजशास्त्र जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन करने में हमारी सहायता करता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने में सहायक। अभी देखते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र जनसंख्या वृद्धि रोकने में कैसे सहायक है, किस तरह से सहायक है। परिवर्तन होते हैं नगरों में, होते हैं धीरे धीरे परिवर्तन का प्रभाव जो है स्टूडेंट्स कहाँ आ रहा है, गांव में भी आ रहा है। विभिन्न प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं, विभिन्न प्रकार के जो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो सब गांव में ही चलाए गए। उससे पहले हम देखते हैं कि अशिक्षा, भूखमरी, निर्धनता, बेकारी इत्यादि अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारी भारतीय गांव में पाई जाती रही है। तो ये भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी ये क्यों है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से, क्योंकि वहां पर जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही थी उस पर कोई अंकुश नहीं लगा हुआ था। धीरे धीरे भारत देश की जो विभिन्न जनसंख्या है 70%, उन पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए कहा गया और धीरे धीरे हमें इसका प्रभाव नजर आया। तो ये सब इन सब कार्यक्रमों को देखने, रोकने, यानी जनसंख्या वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो किसने निभाई है स्टूडेंट्स, ग्रामीण समाजशास्त्र ने ही निभाई है। आज नेक्स्ट जो आता है आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, ये आदिवासी क्षेत्र दूर दराज में थे, वहां पर न कोई शिक्षा का प्रभाव था, न ही जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते थे उनका उन्हों भान था। जंगलों में निवास करते थे वो लोग और वहीं पर उनका जीवन जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन जैसा होता था वैसा ही वो उस रूप में ग्रहण कर लेते थे। धीरे धीरे कुछ योग्य समाजशास्त्री जो हैं उन आदिवासियों का अध्ययन करने लगे और देखिए आदिम जातियों और जनजातियों के अध्ययन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की शाखा का उदय हुआ, सामाजिक मानव शास्त्र। ये सामाजिक मानव शास्त्र जो है स्टूडेंट वो आदिवासी में आदिम जातियों और आदिम जनजातियों का अध्ययन करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो धीरे धीरे भारत सरकार की विभिन्न नीतियों की वजह से, विभिन्न कार्यक्रमों की वजह से इनका अध्ययन जो है प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करके ग्रामीण समाजशास्त्र ने ही इनको भी जो विकास की महत्वपूर्ण धारा है उसके अंतर्गत जोड़ने का प्रयास भी जो है स्टूडेंट्स वो किसने किया, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण समाजशास्त्र ने ही किया। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों की समस्याओं का अध्ययन, स्टूडेंट्स कोई ऐसा विषय नहीं है समाजशास्त्र के अलावा जो कि इन सब का अध्ययन जो है कर सके। इसलिए स्टूडेंट्स समाजशास्त्र ही एक विषय है ऐसा जिसने इस प्रकार के अध्ययन का प्रयास किया और समाजशास्त्र की वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा ग्रामीण समाजशास्त्र ने इन सभी अध्ययनों को प्रारंभ किया। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि आदिम जातियों, आदिम जनजातियों का अध्ययन जो है समाजशास्त्र की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र या समाजशास्त्र ले लीजिए क्योंकि तो ग्रामीण समाजशास्त्र में क्या है, समाजशास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जो कि
ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जगत की वास्तविक स्थिति को अध्ययन करने का प्रयास करती है। तो इस रूप